नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले वीक में कौन से लेवल अपने इंडियन मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इलेक्शन किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है अपने इंडियन मार्केट को, कौन से लेवल पे अपने करनी है बाइंग और कहां पे अपने करनी है सेलिंग, इन सारे लेवल्स को यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम लोग करने वाले हैं एक वीकली एनालिसिस, कौन से शेयर से बचना है ये भी यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डायरेक्ट आते हैं अपने चार्ट के ऊपर, जहां पे पहले बात करेंगे अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक बार कोशिश करेंगे यहां पे डॉ जोन्स को भी कवर करने की। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने अभी रिसेंट टाइम में एक अच्छी खासी रैली दिखाती हुई यहां पे मिली है अपने को, और यहां पे अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो लगभग ये अपने अपर रेंज में जा चुका है। यहां पे अगर देखें, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ प्राइस ऊपर जा, ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस करता हुआ प्राइस नीचे आती है और यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाती है। तो इस तरीके से प्राइस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट अपने अपर रेंज को हिट कर चुका है। अब यहाँ पे आते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे और जाने करते हैं कोशिश। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो रिसेंट अपना जो बात करते हैं थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे को अपना निफ्टी ने अपना हाई बनाया था 22,993 का, जो कि अपना ऑल टाइम हाई बन चुका था। लेकिन अब जो फ्राइडे को हुआ, फ्राइडे को एक नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए अपने मार्केट ने 23,026 का यहाँ पे हाई बनाते हुए यहाँ पे ऑल टाइम हाई का यहाँ पे कीर्तिमान स्थापित किया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई। सस्टेन नहीं कर पाना प्लस वहां पे एक डाउनफॉल टाइप, मतलब एक बुलिश टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म ना करना, ये थोड़ा अपने लिए चिंता की बात है क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड करती हुई दिख रही है। उसके बाद अब जरूरी लेवल्स क्या हो जाते हैं कि अगर यहां से फॉल होता है तो अपने पास सपोर्ट क्या है रोकने के लिए। अगर यहां से फॉल होता है तो अपने पास पहला जो सपोर्ट निकल के आता है वो होगा सीधा 22,600 से लेकर 22,480, 22,440 का लेवल आता है। उससे पहले कोई भी अच्छा खासा यहां पे अपने पास सपोर्ट निकल के नहीं आता है निफ्टी के अंदर। तो अपने ट्रेडिंग को उसी तरीके से अपने को प्लान करके चलना है कि अगर यहां से फॉल आता है तो एक ही बार में अपना सारा कैपिटल साफ ना हो जाए, मतलब ऑल टाइम हाई से जब एक बार सेलिंग आएगी ना तो बहुत तगड़ी आएगी सेलिंग। क्योंकि यहां पे अगर हम लोग देखते हैं प्राइस एक्शन को, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर वहां से एक अच्छी खासी सेलिंग, बहुत तगड़ी सेलिंग, फिर यहां पे अपना ऑल टाइम हाई बनाया, फिर यहां से बहुत अच्छी खासी सेलिंग, फिर यहां पे ऑल टाइम हाई बनाया, फिर यहां पे बहुत अच्छी खासी सेलिंग, फिर यहां पे ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश की, मतलब ऑलमोस्ट बना दिया था, क्लोजिंग नहीं मिल पाई और वहां से फिर देखा आपने क्या गजब की सेलिंग देखने को मिली अपने इंडियन मार्केट के अंदर। तो अब यहां पे भी मैं दोबारा से सचेत करने की कोशिश करूंगा, बाइंग करते हैं ठीक है, लेकिन एक बार जब तक ये इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए, अपना जो एक लेवल निकल के आता है 23,050 का, 23,050 के ऊपर क्लोज करके अगले दिन सस्टेन ना कर जाए तब तक अपने को बाइंग के साइड में नहीं जाना है। मतलब 23,050 एक हर्डल होने वाला है निफ्टी के लिए, 23,050 के ऊपर जब तक सस्टेन और अगले दिन क्लोजिंग ना मिल, मतलब सॉरी 23,050 का जो लेवल होगा वो एक अच्छा खासा हर्डल होने वाला है निफ्टी के लिए। जब तक 23,050 के ऊपर एक दिन की क्लोजिंग और अगले दिन सस्टेन ना कर जाए वहां पे अपने को प्रॉपर तरीके से बुलिश नहीं होना है, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पे इलेक्शन का टाइम भी है, मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहां से अगर सेलिंग आएगी तो बहुत तगड़ी सेलिंग आएगी सीधा अपने को, जो पहला टारगेट मिलने वाला है डाउन साइड के अंदर 22,600 से लेकर 22,440 का, और उसके नीचे अगर तोड़ता है ये लेवल 22,400 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो अपने को सीधा अपने को निफ्टी मिलेगी 22,200 से लेकर 22,200 के लेवल तक हिट कर सकती है डाउन साइड के अंदर। तो इस तरीके से अपने को ट्रेड करना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अपना मंडे के लिए कौन से लेवल इंपोर्टेंट होने वाले हैं। मंडे के लिए अगर लेवल्स की मैं बात करता हूं और मैं आता हूं अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूं, RSI अपना नेगेटिव डाइवर्जन यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पे लोअर हाई यहाँ पे बनने हुए दिख रहे हैं जबकि प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही है, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्राइस एक्शन अभी थोड़ा फेक लगता हुआ दिख रहा है अपने को, मतलब एक डाउनफॉल आने की संभावना है इंडियन मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे हमने आता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे फिर देखने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि हमने ये देखा एक बड़ा पैनिक यहां से देखने को मिल सकता है अपने को इंडियन मार्केट में, जो एक लेवल निकल के आता है ये होगा 22,900 का लेवल हमें मार्क करके चलना है निफ्टी के अंदर। 22,900 के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग उसके बाद सस्टेन करना स्टार्ट करता है 10 से 15 मिनट एक बड़ी पैनिक देखने को मिलेगी, जहां पे पहला टारगेट होगा 22,830, 22,820 का। उसके बाद अगर देखते हैं तो अगला टारगेट हो सकता है इंट्राडे बेसिस की बात कर रहे हैं 22,700 का, और उसके बाद देखते हैं तो 22,600 से लेकर 22,480 का लेवल होगा, जहां से
दोबारा से अपने को बाउंस के लिए देखना है, मतलब बाइंग साइड के लिए अपने को देखना है। एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए अगर आप वेट करें तो एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, जो कि 23,050 का लेवल होगा। 23,050 के ऊपर अगर सस्टेन करता हूं अपने को दिखता है निफ्टी, दोबारा से बेधड़क अपने बाइंग के साइड में जाना है। लेकिन हाँ, इस बार क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है क्योंकि एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, रेजिस्टेंस अपने को आसपास दिख रहे हैं, तो कब वहां से बड़ी सेलिंग अपने को देखने को मिल जाए, कब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, तो वो अपने को बिल्कुल नहीं पता। तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है लॉन्ग साइड के अंदर। अब आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के यहाँ पे चार्ट के ऊपर, उसको यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वीकली के सप्लाई जोन में, और यहाँ पे देखते हैं तो डेली का यहाँ पे अच्छा खासा सप्लाई जोन है जहाँ पे हिट कर चुका है। अब यहाँ पे मैं देखू इसको डिलीट करने के बाद, तो यहाँ पे डेली का एक हर्डल होने वाला है 49,250 का। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है बैंक निफ्टी, अपने को एक फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे निफ्टी जैसा हमने वहां पे स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, तो निफ्टी का जो सपोर्ट यहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल में दिखता है, तो अगर यहां से भी अगर फॉल देखने को मिलता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो सीधा होगा 48,400। और अगर अच्छे खासे सपोर्ट की बात करते हो 48,100 से लेकर 47,600 से लेकर 700 के डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जहां पे ठीक ठाक था सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है अपने को इंडियन मार्केट के बैंक निफ्टी में। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के मंडे के लेवल्स के बारे में। मंडे के लेवल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बार बार मैंने जिक्र किया है यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में, जो कि अपना एक सप्लाई जोन है। जब यहाँ पे बैंक ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, क्लियरली बोला गया था इसके ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करती है अपने को बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि यहां तक के टारगेट यहाँ पे क्लियरली बोले गए थे, ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं सारे टारगेट। 49,000 का लास्ट वीडियो में बोला गया था कि यहां तक टारगेट हिट हो सकते हैं, 49,050 के आसपास के यहाँ पे हाई बनाने के बाद टारगेट अपने अच्छे खासे हिट हुए हैं। अब यहाँ पे जो जरूरी लेवल्स बन जाते हैं वो यही होने वाला है 49,250 का। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है बैंक निफ्टी, अपने इस रेंज को अवॉइड करना है बाइंग साइड के लिए। जैसी अपनी बैंक निफ्टी 49,250 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगी, यहाँ पे अपर टारगेट देखने को मिलेंगे 49,400, 49,550 के ऊपरी लेवल देखने को आसानी से मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। बात करते हैं पैनिक लेवल कब अपने को देखने को मिल सकता है, ये लेवल ध्यान में रखकर चलना है जो कि 48,840 का होने वाला है। उसके नीचे जैसे ही 10 से 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखेगी अपनी निफ्टी, तो यहाँ पे सडन अपने को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 48,680 से लेकर यहाँ पे 48,600 का लेवल होगा पहला टारगेट। उसके नीचे अगर फिसलती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे 48,440 से लेकर यहाँ पे 48,250 का लेवल देखने को मिलेगा, जहां पे इस रेंज में अपने को देखना है बाइंग के साइड में, जहां पे एक सपोर्ट का लेवल निकल के आता है 48,380 से लेकर 48,200 का जो लेवल होगा, लगभग 180 पॉइंट का रेंज होने वाला है। वहां से अपने को जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कोई भी बुलिशनेस वहां पे दिखाता है तो डेफिनेटली हम अभी बाइंग साइड में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखकर चलना है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ना, जो कि अपना 48,100 का रेंज होने वाला है, अगर वो ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, सीधा अपने को बैंक निफ्टी यहाँ पे देखने को मिलेगा 47,750, और उसके बाद हो सकता है 47,520 के यहाँ पे डाउनफॉल के लेवल दिखाता हुआ मिल जाए, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। उसी तरीके से अपने को ट्रेडिंग करना है ताकि अगर मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी होती है तो अपना सारा प्रॉफिट खत्म हो जाए, इवन कैपिटल कम से कम सेव रहना चाहिए अपने पास। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कुछ, एक बार डॉ जोन्स को भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में। डॉ जोन्स की मैं बात करता हूं तो डॉ जोन्स ने क्या किया है, ऑलरेडी आपके साथ बोला गया था ये एक सपोर्ट लेवल है जहां से एक रिकवरी आएगी। रिकवरी आई थी इंडियन मार्केट में, अच्छे खासा अपना जो रैली है उसको नहीं तोड़ा है, लेकिन अब डॉ जोन्स ने इससे जो रिकवरी आनी थी वो ला चुका है। अब यहाँ पे अपने को देखना है, अगर ये ब्रेक करता है जो हमने एक लेवल यहाँ पे मार्क किया है 38,990 का लेवल, अगर वो ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है तो अपने पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर एक नया ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है, तो वो भी एक डाउनफॉल का यहाँ पे इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं अपने डॉ जोन्स। और निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास चल रहे हैं। इवन जो अपने हाईली वेटेड शेयर की बात करते हैं रिलायंस की या फिर HDFC की, तो वो भी अपने एक बहुत अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास चल रहे हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग साइड में
ट्रेड यहाँ पे सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर करें तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी हम लोग इन स्टॉक की आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये डोजोन्स भी थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है मुझे। अगर डोजोन्स 39,220-230 के ऊपर जब तक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हो जाता तब तक अपने को बुलिश नहीं होना है डोजोन्स के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे वोल्टास के बारे में। वोल्टास की बात करते हैं तो यहाँ पे इसने एक जो रेजिस्टेंस है, जो अपना टारगेट है, वो हिट कर चुका है पहला टारगेट। अब रेजिस्टेंस को इसने हिट कर दिया तो यहां से दोबारा से एक पुलबैक के लिए डाउनफॉल का वेट करना चाहिए। यहां पे ट्रेडिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे अपने को एंट्री बनाना थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि यहां पे फिर अपना जो रिस्क है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बेटर होगा अगर मार्केट में फॉल आती है, अपने को मौका मिलता है 1300-1290 के आसपास, तो यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं हम लोग। बेटर होगा इस ट्रेड पे अभी के टाइम में यहाँ पे एंट्री बनाना थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा की। ग्लेनमार्क फार्मा जब तक इसके ऊपर न सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए, जो एक बार कोशिश की थी इसने क्लोजिंग देने की, क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दे पाई, लेकिन अपने पास जो लेवल निकल के आता है वो होगा 1045 का। जब तक इसके ऊपर सस्टेन करना न स्टार्ट कर जाए अपने को बुलिश नहीं होना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाती है, मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे जो पहला टारगेट निकल के आता है वो सीधा निकल के आता है, पहला टारगेट 1060 का पहला टारगेट होगा, 1080 का अगला, और हो सकता है अपने को लगभग 1090 और एक टारगेट यहाँ पे आसानी से देखने को अपने को ग्लेनमार्क फार्मा, तो ये भी अपने को रडार में रख के चलना है। अब यहाँ पे देखे कोई अगर डाउनफॉल देखने को मिलता है तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे जो कि 980 का लेवल होने वाला है, अपने को ज्यादा पैनिक के साइड में नहीं जाना है। 980 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी और जो कि सीधा अपने को ग्लेनमार्क फार्मा को 960-940 के डाउनसाइड की तरफ धकेलती हुई दिखेगी अपने को। अब बात करते हैं यहाँ पे मुथूत फाइनेंस के बारे में। मुथूत फाइनेंस की बात करते हैं तो प्राइस तो यहाँ पे ट्रेड करती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमें जो RSI है हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में यहाँ पे एक डाउनफॉल आने की संभावना है। जो फ्रेश यहाँ पे पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि जब तक ये लेवल है 1755-1757 का लेवल, उसके ऊपर क्लोजिंग ना कर जाए अपना मुथूत फाइनेंस यहाँ पे क्लोजिंग, और अगले दिन जब तक सस्टेन ना करे अपने को बुलिश नहीं होना है। अब बात करते हैं पैनिक लेवल की। पैनिक लेवल अपने को तब मिलेगा जब 1670 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करेगी, तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा जहां पे पहला टारगेट होगा 1600 का, उसके बाद लगभग 1515-1520 का अगला टारगेट, हो सकता है 1480 का डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल जाए यहाँ पे मुथूत फाइनेंस में। तो ये लेवल ध्यान में रखकर चलना है, इसके नीचे पैनिक और इसके ऊपर ही अपने को बुलिश होना है, अदरवाइज यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बजाज फाइनेंस यहाँ पे अपने एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 6836 के आसपास। यहाँ पे देखिए पैनिक बटन अपने को तब देखने को मिलेगा जब ये 6790 के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, डेली क्लोजिंग। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो कि 6920-6930 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा अपना। और यहाँ पे देखने हैं तो सारा ये गार्बेज पड़ा हुआ है, ये एरिया पूरा गार्बेज है, कुछ अच्छा खासा स्ट्रक्चर अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। इसके नीचे जैसे क्लोजिंग मिलती है उसके बाद यहाँ पे हो सकता है अपने को जो पहला टारगेट देखने को मिले वो होगा 6630-6580 और 6580 को जब ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करेगी तो अपने को बड़ा पैनिक देखने को मिलेगा 6488 से लेकर 6360 के आसपास के यहाँ पे डाउनफॉल के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर अभी थोड़ा स्ट्रक्चर बुलिश नहीं है, थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है। इसके नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग मिल जाती है एक बड़ा फॉल के लिए रेडी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे IDFC लिमिटेड के बारे में। IDFC फर्स्ट नहीं, IDFC लिमिटेड के बारे में बात करते हैं जो कि अपने बीयर मार्केट को लीड करने के लिए रेडी होता हुआ दिख रहा है अपने को। रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 114.60 के आसपास। यहाँ पे बात करें स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो लगभग 117 का स्टॉप लॉस यहाँ पे होने वाला है 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करते हैं तो पैनिक बटन के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जो अपना रिसेंट हाई था थर्सडे का उसका वेट करने, सॉरी लो था उसका वेट करने का। 114.15 का जो लेवल होने वाला है, या फिर हम लोग ग्राउंड फिगर में 114 भी बोल सकते हैं, उसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग यहाँ पे होते हुए दिखेगी अपने को, उसके बाद कोई भी बाउंस अपने को देखने को मिलता है
सिर्फ और सिर्फ अपने को जाना है सेलिंग के साइड में। यहाँ पे डाउन साइड की बात करते हैं तो पहला टारगेट निकल के आता है यहाँ पे 112.50 रुपए का। उसके बाद जाते हैं तो 111.30 रुपए से लेकर 110 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे ही 110 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता हुआ दिखेगा डाउन साइड में, तो एक बड़ी पैनिक देखने को मिलेगी जो कि सीधा इसको 108 से लेकर 107 के डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के चलना है अपने को। बात करते हैं श्री सीमेंट के बारे में। श्री सीमेंट हमने यहाँ पे कॉल जनरेट किया था, ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, लेकिन इस प्राइस एक्शन वहां पर टिक नहीं पाई। ठीक है, प्राइस एक्शन में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली और कुछ यहाँ पे सीमेंट के कुछ और सिलेक्टेड स्टॉक्स ने यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया, जिस वजह से प्राइस में उस तरीके की मोमेंटम आ नहीं पाई। लेकिन अब हमें ध्यान रखने के चलना है इसको 25,380 का लेवल होगा। 25,380 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगी, मतलब 25,030 के नीचे अगर ये किसी प्रकार से क्लोजिंग देने में सक्षम रह जाती है, उसके बाद कोई भी बाउंस देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ अपने को सेलिंग की तरफ जाना है। यहाँ पे टारगेट की बात करें तो सीधा पहला टारगेट होगा 25,000 का, उसके बाद 24,500 और हो सकता है अपने को 24,000 के सीधे डाउनफॉल के टारगेट यहाँ पे दिखाता हुआ मिल जाए, तो ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तब उसके बाद कोई भी बाउंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने को सेलिंग के साइड में जाना है। और जो अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आता है वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड होगा, क्योंकि अगर बाउंस मिलता है उसके बाद स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो बाउंस अपने को मिलने के बाद में जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो होगा 25,900 का। यहाँ पे एटलीस्ट 15 से 1 घंटे की क्लोजिंग बेसिस पे देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा शेयर है, फ्लक्चुएट ज्यादा कर सकता है। बात करते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस ने यहां से अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। रिलायंस की बात करें तो क्लियरली यहां पे बोला गया था जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता अपने को बियरिश नहीं होना है। यहां से अच्छा खासा यहां पे रैली देखने को मिली है और रैली ऐसी मिली है कि इसने अच्छा खासा लगभग इसने हाई बना दिया है 2984.85 का। लेकिन अब यहाँ पे लेवल्स की बात करते हो, यहाँ पे खरीदना थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे, क्योंकि अपना रिसेंट यहाँ पे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जहाँ पे एक अच्छा खासा इसका हर्डल है। तो अगर कोई भी फ्रेश बाइंग करने के लिए सोच रहे हैं तो 3,020-3,025 के ऊपर जब तक क्लोजिंग सस्टेन नहीं मिल जाता है अपने को एवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ठीक ठाक सा हर्डल है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा खासा हर्डल निकल के आता है। और यहां से अगर सेलिंग देखने को मिलेगी तो सीधा अपने को जो पहला टारगेट होगा वो होगा 2910 का, उसके बाद 2875 का, और हो सकता है अपने को 2810-20 के लेवल भी यहाँ पे दिखाता हुआ मिल जाए डाउन साइड में। तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है, क्योंकि अब अगर इसके अंदर फॉल आता है तो मार्केट के साथ में ये भी अपने को लीड करता हुआ दिख सकता है यहाँ पे रिलायंस का काउंटर भी। अब यहाँ पे बात करते हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो की अगर बात करते हैं तो अब मुझे लगता है कि इसके अंदर जो भी डाउनफॉल जो भी यहाँ पे रैली देखने को मिली थी वो सारा यहाँ पे कवर अप होने वाला है। तो ये ध्यान में रख के चलना है अपने को। विप्रो का काउंटर रिसेंट क्लोजिंग मिली है अपने को 463 के आसपास। पैनिक अपने को तब देखने को मिलेगा जब 458 के नीचे क्लोजिंग होता है वो दिखेगा, उसके बाद कोई भी बाउंस देखने को मिलता है यहाँ पे अपर का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। और डाउन साइड के टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हो सकता है यहाँ पे 451-450 का पहला टारगेट, उसके बाद देखेंगे तो 442-440 के डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं विप्रो के अंदर आने वाले टाइम के अंदर। इसके नीचे ध्यान में रखते चलना है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है उसके बाद। बात करते हैं यहाँ पे आइडिया के बारे में। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं आइडिया के बारे में तो आइडिया ने एक बड़े रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अब यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ पे क्लोजिंग मिली है 15.10 रुपए पे। अब इस लेवल पर बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे डिप मिलता है अपने को 13.75 रुपए के आसपास या फिर मौका मिलता है 13 के आसपास तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग के साइड में जाना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करते हैं, स्टॉप लॉस अपना इसमें होने वाला है 11.50 रुपए का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। और यहाँ पे जो टारगेट आने वाले टाइम जो देखने को मिल सकते हैं वो पहला टारगेट होगा 16.20 रुपए, 16.80 रुपए, और हो सकता है अपने को 17.80 रुपए से लेकर 18.50 रुपए के टारगेट यहाँ पे आइडिया में आने वाले टाइम में हिट होते हुए देख सकते हैं। तो ये भी अपने को रडार में रखते चलना है, कोई भी डिप मिलेगी अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बात करते हैं यहाँ पे डेविस लैब के बारे में। लास्ट जो वीकली यहाँ पे वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें पोजिशनली बोला गया था कि एक अच्छी खासी यहाँ पे हलचल देखने को मिल सकती है लंबे टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे।
और उसके बाद इसने अच्छी खासी यहाँ पे क्लोजिंग भी दे दी, और ये जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पे उसने क्लोजिंग देने के बाद सस्टेन करता हुआ दिखाया, तो अच्छे खासे रिटर्न ऑलरेडी उस वीडियो के बाद भी बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूं तो आज की जो अभी रिसेंट जो वीक में क्लोजिंग हुई है वो हुई है 4122 पे। अब यहाँ पे अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आता हूं और यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूं, तो इसके अंदर पहला जो टारगेट होना चाहिए कम से कम होना चाहिए 4340 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद जो यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं वो होगा 4400 का अगला टारगेट। और जैसे ही ये अपने इस रेजिस्टेंस को हिस्स करता हुआ दिखेगा, जो कि 4620 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको ऊपर जैसे क्लोजिंग यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा अपने को, सीधा यहाँ पे जो टारगेट बढ़ के निकल के आते हैं वो होंगे 4900 का पहला टारगेट, और उसके बाद लगभग 51+ के यहाँ पे टारगेट आसानी से अचीव होना चाहिए डेविस ग्रैप के अंदर। लेकिन ये थोड़ा सा पोजिशनल भी होने वाला है एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए, और सारी क्वांटिटी यहाँ पे बाय नहीं करनी है, कुछ क्वांटिटी डिप में भी ऐड करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मौका मिलता तो ये भी ऐड करने का ऑप्शन है, और ये लंबे टाइम के लिए ये पोजिशन होने वाली है, तो सारी क्वांटिटी एक बार में भरना काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। बात करें यहाँ पे सिंजिन के बारे में, तो अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बियर मार्केट के लिए रेडी हो चुका है सिंजिन। कोई भी यहाँ पे डेड कट बाउंस देखने को अगर मिलता है डेफिनेटली जाना है अपने को सेलिंग के साइड में, बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी अगर कोई भी यहाँ पे बाउंस देखने को अपने को मिलता है 695-692 के आसपास। इसमें अपना स्टॉप लॉस इस केस में बनेगा 708-710 का स्टॉप लॉस, और टारगेट की बात करें तो यहाँ पे जब यहाँ पे मिलता है तो जो टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट निकल के आता है 670 का, उसके बाद 660 और उसके बाद 650-655 के, और लोअर टारगेट यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए सिंजिन में। तो कोई भी बाउंस देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ जाना है अपने को सेलिंग के साइड में। बात करते हैं बाटा इंडिया के बारे में। बाटा इंडिया मुझे लगता है कि ये भी अब मार्केट में लीड करने के लिए हो चुका है रेडी, जो कि बीयर मार्केट को लीड कर सकता है। क्लोजिंग मिली है 1346 पे। अब 1346 पे क्लोजिंग मिली है, यहाँ पे बात करते हैं जो अपना फ्राइडे का लो होने वाला है उस लो की अगर बात करें 1345 का लो है, जैसे उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा अपने सीधे डाउन साइड के यहाँ पे टारगेट खुलते हुए नजर आएंगे, जो कि पहला टारगेट होगा 1335, 1321 और उसके बाद लगभग 1310 से 1300 के लोअर लेवल यहाँ पे हिट करता हुआ दिख सकता है। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है मंडे के दिन और उसके बाद कोई अगर बाउंस देखने को मिलता है तो स्टॉप लॉस अपना छोटा सा हो जाएगा, जो कि अपना स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 1340 का पहला स्टॉप लॉस होने वाला है, और अच्छे खासे यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं बाटा इंडिया के अंदर। बात करते हैं यहाँ पे अतुल के बारे में। अतुल लिमिटेड जो कि रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 5880 के आसपास, ये मार्केट में लीड कर सकता है एक अच्छी खासी सेलिंग को। कोई अगर यहाँ पे बाउंस देखने को मिलता है 5900 के आसपास या फिर 5960 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस हमें रखना है 660 यहाँ पे, जो अपने यहाँ पे अगर मौका मिलता है 5900 के आसपास या फिर कोई भी यहाँ पे अपने को अपसाइड देखने को मिलता है 5960 के आसपास, अपने को जाना है सिर्फ और सिर्फ अपने को सेलिंग के साइड में। यहाँ पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो अपने को ये स्टॉप लॉस रखना है अपने को 6030-6040 का, 5 मिनट या फिर 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे रखना है, क्योंकि ये स्टॉक बड़ा है फ्लक्चुएट ज्यादा कर सकता है। और जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखेगा, जो कि अपना लेवल होने वाला है 5850 का, एक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि पहला टारगेट होगा 5820-5815 का। और इस लेवल को अगर जैसे इसने ब्रेक करके सस्टेन किया मार्केट के साथ में, अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करेगी, अपने को सीधा एक बड़ा पैनिक देखने को मिल सकता है, और हो सकता है इस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख जाए इस तरीके का, ऐसे हो सकता है यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये अपने रडार में चलना है, बुलिश के लिए हमें तभी जाना है जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता अपने को कोई भी बुलिश यहाँ पे एंट्री बनाने से बचना है इसके अंदर। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना डिफेंस सेक्टर से रिलेट करता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में एक बड़ा ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता हुआ दिख सकता है अपने को, जिसका नाम होने वाला है पारस डिफेंस। अपनी रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 859 के अराउंड यहाँ पे, और जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है तो यहाँ पे एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि अगर रेंज की बात करें तो 2021 से जो रेंज है, 2021 से 2024 का जो रेंज है, फाइनली उसको क्लोजिंग के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है।
यहाँ पे जो आने वाले टाइम में टारगेट निकल के आते हैं वो पहला टारगेट होगा 1000 का, पहला टारगेट 1080 का, अगला टारगेट और उसके बाद लगभग 1190 से 1210 के ऊपरी टारगेट यहाँ पे आसानी से अचीव होने चाहिए यहाँ पे पारस डिफेंस के अंदर। बात करें जिन्होंने ऑलरेडी पहले से पोजीशन बनाई हुई है लोअर लेवल से, तो उनके लिए एक लेवल निकल के आता है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट टॉप पे बनाया हुआ है इसमें पोजीशन, उनके लिए जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है होगा 670 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और जिन्होंने यहाँ के आसपास बनाया है उनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 600 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये ध्यान में रखकर चलना है, अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर लग रहा है, आने वाले टाइम में एक बड़ा ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है पारस के। बात करते हैं आरसीएफ के बारे में, तो आरसीएफ अपना ये फर्टिलाइजर सेक्टर से यहाँ पे रिलेट करता है, अभी रिसेंट क्लोजिंग मिली है 157.25 के अराउंड। स्टॉपलॉस की बात करें तो लगभग 142 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉपलॉस होने वाला है। टारगेट की बात करें तो सीधा पहला टारगेट निकल के आता है 165 का, पहला टारगेट होगा 169 का अगला टारगेट, और जैसे ही ये 172 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा इसके लिए जो टारगेट निकल के आएंगे ऊपर के 180 से लेकर 185 के यहाँ पे ऊपर के सारे टारगेट खुलते नजर आएंगे आरसीएफ के अंदर, तो ये भी ध्यान रखकर चलना है। बात करते हैं यहाँ पे मद्रास फर्टिलाइजर के बारे में, तो यहाँ पे वीकली की बात करते हैं तो एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर देता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जो हर्डल है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो हर्डल का जो रेंज होने वाला है वो होगा 96-97 का, उसके ऊपर जैसे डेली की क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देना है 80 का। एक बार डेली पे आके देखते हैं, हाँ यहाँ पे हम लोग जैसे इसको क्लोजिंग मिलता है तो स्टॉप लॉस हमें फिर यहाँ पे रख देना है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है 97 के ऊपर डेली का तो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रख देना है 87 के अराउंड यहाँ पर डेली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करेंगे तो वहां पे पहला टारगेट हो जाएगा यहाँ पे लगभग 102-103 का, और जैसी 104-105 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ मिलेगा अपने को जो ऊपर के टारगेट खुलते नजर आएंगे वो होगा 113 का, उसके बाद 118 और 122 के टारगेट यहाँ पे अचीव होने चाहिए आने वाले टाइम में मद्रास फर्टिलाइजर के अंदर। बात करते हैं यहाँ पे एनटीपीसी के बारे में, एनटीपीसी की बात करते हैं तो रिजल्ट उतना ठीक ठाक आया नहीं है, अब रिजल्ट के बेसिस पे अगर देखते हैं तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, ये थोड़ा ऐसे ही हम लोग बस इसका जो बेस्ट लेवल है उसको डिस्कस करने की कोशिश करें। कोई बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है वैसे मिलना नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर मिल जाए 350 के आसपास 345 के आसपास अगर अपने को मौका मिलता है तो बेस्ट एंट्री होने वाली यहाँ पे एनटीपीसी के लिए। स्टॉप लॉस इस केस में अपना निकलता है 340 का, और इस जोन में अपने को डेफिनेटली बाइंग जोन होने वाली है जहां पे अच्छे खासे यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेंगे, रिकवरी देखने को मिलेगी एनटीपीसी के अंदर। तो ये थी अपनी रिसर्च आने वाले वीक के अंदर, तो उसको अपने रडार पर ट्रेड करना है। बाकी इसमें कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की अगर आप सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताए गए सारे लेवल्स जस्ट एजुकेशनल पर्पस होने वाले हैं, तो एक बार आपने पैसे लगाने से पहले एक बार खुद की रिसर्च करना काफी ज्यादा जरूरी है। निफ्टी में ध्यान में रखकर चलना है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता है 23050 के ऊपर जब तक सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता है अपने को बाइंग के साइड में जाना है, और यहाँ से थोड़ा सा बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो इसको लेवल ध्यान में रखकर चलना है, इसके ऊपर जब सस्टेन करता है तभी बाइंग की साइड में जाना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च आने वाले वीक के अंदर, होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस।